कल्पना थी कि शहर की कुछ सड़कें ऐसी बने जिन पर बैठकर लोग भोजन कर सके, और यह मेरा सपना साकार हुआ है। यह बात आदर्श रोड के शुभारंभ पर इंदौर में महापौर मालिनी गौर ने कही। करीब 7 करोड़ की लागत से नगर निगम द्वारा बनाई गई पलासिया से साकेत नगर तक आदर्श रोड का महापौर श्रीमती मालिनी गौर, विधायक महेंद्र हाड़िया, MIC सदस्य क्षेत्रीय पार्षद दिलीप शर्मा, भाजपा पार्षद संजय कटारिया ने निरीक्षण किया, जिसके बाद महापौर श्रीमती मालिनी गौर ने कहा कि मेरी एक कल्पना थी कि शहर की कुछ सड़कें ऐसी बने जिन पर बैठकर लोग भोजन कर सके, और यह मेरा सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण में MIC सदस्य दिलीप शर्मा की प्रमुख भूमिका रही है। महापौर ने कहा कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर वे शहर के नागरिकों, MIC सदस्यों, पार्षदों को आह्वान करेंगी कि वह सड़क पर बैठकर भोजन करें। महापौर ने कहा इसके लिए एक टिफिन पार्टी का आयोजन किया जाएगा। महापौर ने बताया कि 3 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आदर्श मार्ग का लोकार्पण करेंगे। वहीं विधायक श्री महेंद्र हाड़िया ने कहा कि शहर में इस तरह का आदर्श रोड के बनाने की कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की थी। तब से ही पार्षद दिलीप शर्मा ने यह बीड़ा उठाया था कि इस मार्ग को आदर्श रोड के रूप में विकसित करेंगे। क्षेत्रीय पार्षद और MIC सदस्य दिलीप शर्मा ने कहा कि यह उनके लिए बड़ी सुखद बात है कि उनके वार्ड में इतनी सुंदर सड़क का निर्माण निगम द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क को सुंदर बनाए रखने के लिए वह पूरा प्रयास करेंगे। CCTV कैमरे से भी लेस है और पलासिया झोंक पे इसका कंट्रोल रूम बनाया है और सभी सुविधा से युक्त ये आदर्श रोड है। मैनेजमेंट तो लगातार हम कर रहे हैं, सभी लोगों को जिस प्रकार स्वच्छता में हमने अवेयर किया, सभी लोगों को आग्रहपूर्वक निवेदन पूर्वक हम सभी से सभी चीज़ों के लिए आग्रह कर रहे हैं। पार्किंग हो, ट्रैफिक हो या अन्य चीजें हो, सभी के लिए हम अवेयर करें, धीरे धीरे लोग अवेयर हो जाएंगे। जैसे कि आपने कितनी बताया लागत आई है इस पर, कितनी लागत आई है? करीब 7 करोड़ की लागत इस रोड पर आई है। बहुत ही 25 तारीख को माननीय अटल जी की जयंती है, उस दिन एक टिफिन पार्टी करने वाले हैं। सभी अपने घरों से टिफिन बना के लाएंगे और इस रोड पर हम सब मिलकर बैठकर भोजन करेंगे। और 3 तारीख को माननीय शिवराज भैया ने टाइम दिया है तो इस रोड का ओपनिंग करेंगे। उनके बाद में उसको संभालने के लिए, हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके लिए अभी से टेंडर हो गए, इसके रखरखाव के लिए 5 साल के लिए टेंडर हुए। इसके 5 साल तक जो टेंडर लेगा वो इसका रखरखाव भी। सर, जैसे कि अगर कोई इस जो संपत्ति है, जो कोई जो सौंदर्यीकरण करा, अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या रहेगा? देखो, नगर निगम बदल गई है, पुरानी नगर नहीं है। ये बना के रखेंगे ना, इसीलिए तो सब इतना किया, इसीलिए किया रखने के लिए। अगर उसके पहले अगर कोई बात होती, उस जब तक के लिए क्या, जब तक के लिए क्या के लिए हमने आयुक्त महोदय से, माननीय महापौर जी से, विधायक जी के माध्यम से सबसे आग्रह किया था और यहाँ अभी गार्ड हमने लगा दिए हैं। ये मेरे भी सपनों की रोड थी, क्योंकि जब मैं पार्षद बना था तो मैंने भी एक बात बोली थी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बोला कि एक आदर्श रोड बनाई जाए, भोजन कर सके, आदर्श रोड थी तो इसी रोड का चयन क्यों किया गया? मेरे तो सपनों की रोड थी, मेरे वार्ड में यही आ रही थी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हर पार्षद अपने रोड, अपने वार्ड में एक रोड चुने, तो मैंने इस रोड को चुना और इसको आदर्श बनाया। जहाँ तक बात है कि क्यों चुनी, तो आप देखिए कि ये पूरा एरिया पॉश एरिया है, यहाँ करीब 300 से 400 कॉलोनियां हैं। आप देखिए यातायात कितना रहता है यहाँ पे, ट्रैफिक। तो हमने सोचा कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग भी रहता है, गरीब भी रहता है, सब तरह के लोग रहते हैं और सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। तो एक हृदय स्थल है, चूंकि हम खजराना गणेश मंदिर यहाँ से जाते हैं, हजारों लोग यहाँ से बुधवार को डेली रोज खजराना जाते हैं, तो उन सबके लिए एक सेल्फी पॉइंट हो, अच्छी रोड हो, बैठ के भोजन कर सकें, इस सोच से इस रोड को